न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की प्रेस वार्ता। महाविकास आघाड़ी की बैठक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बावनकुले मातोश्री के बाहर सभाओं में कोई नहीं जा रहा था। गैरा लोकतंत्र नरेंद्र मोदी के कारण शुरू हुआ। राष्ट्रवादी समर्थन महत्वपूर्ण नहीं है, शिवसेना भाजपा गठबंधन महाराष्ट्र की राय है, यह फायदेमंद हो सकता है। आशीष शेलार या माला शाह का आज भी फोन नहीं आया। दादा के बयान पर बीजेपी के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा। पापा का बयान निजी है, इसका खुलासा भी गलत है। अजित पवार बीजेपी में शामिल न हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमें राष्ट्रवादियों के समर्थन की जरूरत है। रिजल्ट कुछ भी हो, हमारा नंबर रेडी है, चाहे कुछ भी हो। हमने किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी, परिवार साथ आना चाहिए। पंकजा और धनंजय के विचार अच्छे हैं, इन दोनों का मिलन हमारे लिए खुशी की बात है। पंकजा और धनंजय साथ आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आज या कल कुछ भी हो, चंद्रकांत पाटिल ने समझाया, बाला साहब का रोल हमें मंजूर है, हमने एक पार्टी के तौर पर कहा। उसने अपने शब्दों को विकृत कर दिया है। उसके बाद संजय राउत ने बार बार कहा कि वह एक अंतरराष्ट्रीय नेता है, लेकिन भाषा की आलोचना करना और राज्य की संस्कृति को कलंकित करना सही नहीं है। 100 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने कई भाषाएं सीखी। आने वाली पीढ़ी यह देख रही है, उन्हें अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं, आज सवाल है कि अगली पीढ़ी क्या सिखाएगी। बिजली हम कम हो जाती है, क्योंकि यह नीचे और नीचे है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नवी मुंबई से सामने आ रही है। सिडको के खिलाफ मनसे का प्रदर्शन। सिडको ने दिवाली 2022 के दौरान उल्वे वामन डोंगरी में 7849 निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 35 लाख रुपए तक के घर बनाए। यहां तक कि इस घर पर कर्ज भी हर किसी को नहीं मिल पाता है। मनसे इस अन्याय के खिलाफ आक्रामक हो गई है। हालांकि सिडको में फुटपाथों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिससे आम लोगों को अनकही पीड़ा हुई। साथ ही नागरिकों ने सवाल उठाया है कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही सिडको के पदाधिकारियों को बयान देकर मनसे से सवाल उठाया है, विरोध क्यों किया जा रहा है। तो मनसे का यह आंदोलन महज एक स्टंट नहीं है, या फिर ये बात सामने आई है कि मनसे अब नवी मुंबई में कमजोर होती जा रही है। तो मनसे ने अचानक सिडको के खिलाफ बोलना कैसे शुरू कर दिया है, यह सवाल भी उठाया जा रहा है। 7849 सिडको सोडत धारकांचा 35 लाख रुपयाचं घर सिडको देते। एकाच बाजूला म्हणायचं 3 लाख वार्षिक उत्पन्न आणि मासिक 25 हजारचा उत्पन्न असलेल्या कॅटेगरीमधल्या लोकांनी याच्यासाठी अर्ज करावा। मला अजूनही कळत नाही आहे सिडकोचं 25 हजारच्या आत मासिक उत्पन्न असलेल्यांना 35 लाखाचं लोन कुठली बँक देणार आहे। सिडकोच्या कुठल्या अधिकाऱ्याच्या डोक्यातून ही सुपीक आयडिया आली। हा सिडकोच्या उद्देशांना आणि पंतप्रधान आवास योजनेतल्या उद्देशांना हरताळ फासणार आहे। सिडकोच्या या घरांचे दर कमी करावेत यासाठी आम्ही जॉईंट MDना भेटलो होतो, त्यांना निवेदन दिलं आहे, हॅशटॅग चालवला आहे, मात्र तरी दखल नाही घेतली। म्हणून आज सिवूड मॉल ते सिवूड डीमार्टपर्यंत या 1 ते 2 किलोमीटरपर्यंत हजारो सिडको सोडतधारक यांनी भीक मागा आंदोलन केलं आहे, सिडकोचा निषेध केला आहे। माझं सिडको आणि मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की आपण या मागण्यांचा विचार करून सिडकोच्या या घरांचे दर कमी करावेत आणि सिडको सोडतधारकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा मनसे यापेक्षाही आक्रमक आंदोलन करेल एवढं नक्की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। मौसम में आए बदलाव से मठ बेचने वालों का कारोबार ठप हो गया है, विक्रेता परेशान है। मठ के विक्रेताओं ने शहर के मुख्य मार्गों पर अपनी दुकानें लगा ली है। इस साल गर्मी में अच्छा रहेगा, इस उम्मीद में मठ विक्रेता बड़ी मात्रा में मठ लेकर आए हैं। यहाँ कला और चीनी मते
के मठ बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन माहौल में आए बदलाव के कारण 2 महीने बीत जाने के बाद भी ग्राहक अगुवाई करने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल बारिश हो रही है और धूप खिली हुई है, ऐसे में श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए शहर में यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि नागरिकों ने मोर्चा संभालने से मुंह मोड़ लिया है। विक्रेताओं ने जवाब दिया है कि विक्रेता चिंतित है क्योंकि अपेक्षित बिक्री नहीं हो रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए MNS News Network। नमस्कार।